हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दोस्तों लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में सेकेंड रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका मेघालय में जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेट में दोहरा शतक करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक एस टी एम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। तो सही आंसर है इसका मास्टर कार्ड जो कंपनी है जिसने गर्ल्स फॉर टेक के दूसरे फेज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों, तिरुवल्लुवर जो है वो तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट बात करें, किसे भारत के का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पंकज कुमार सिंह जी को जो है वो भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय यानी MAARGE मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है। तो दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पीएम मोदी जी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, बस्ती जो हमारा ज़िला है उसमें पीएम मोदी ने जो है वह सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है। सही आंसर है इसका कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 दिसंबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है। तो 25 दिसंबर को दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों, Viacom 18 को जो है वो का वुमेंस IPL का मीडिया राइट्स हासिल हुआ है। नेक्स्ट बात करें, 23 जनवरी को किन की जयंती मनाई जाती है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में वो कौन सा राज्य है, केरल में वो कौन सा देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो सही आंसर जो है कुल्लम जो है वो केरल का वो ऐसा राज्य है जहाँ पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है। तो दोस्तों, आर बोनी ग्रोबल जो है उनको मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, प्रवीण शर्मा को जो है नेशनल हेल्थ एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17, शांग चेचांग जो हाल ही खबरों में था वह कौन से खेल के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका टेनिस के लिए जाने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।